चैनल जेम्स ब्लॉग्स बीएसए फैमिली। सो आज मैं घर पर हूँ और आने से 2 दिन हो गया मेरा, तो टाइम नहीं मिला था। घर आने के बाद ना सफाई वफाई करना पड़ा था, तो अभी सब ठीक है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम सो के उठे हैं। तो चलिए गाइस, मैं आज के घर के रूटीन बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। बेड को क्लीन करूँगी, तो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। सो गाइस, मैंने बेड क्लीन कर लिया है और उतना अच्छा से नहीं हुआ, फिर भी आज बहुत काम बाकी है और ठंडे के दिन तो दिन जल्दी ये हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने सारे बर्तन को धो दिया है, क्लीन किया है, और हम आए थे तो उस टाइम ही फ्लोर और डस्ट जितना था क्लीन कर लिए हैं। तो अभी और बहुत काम बाकी है, तो हमें खाना बनाएंगे इसके बाद। पहले तो और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या बाकी है। तो इस रूम का भी सब क्लियर हो चुका है, सिर्फ फ्रिज बाकी है। फ्रिज भी बहुत दिनों से ऐसे पड़ा रहता है तो ख़राब हो जाता है, क्लीन करके जाने के बाद भी ऐसे हालत हो जाता है। तो फ्रिज को भी क्लीन करना है। फिर इस रूम के हालत देखिए गाइस, इस बेड पे पूरा लगज मंगज रख दिया है, पूरा गंदा होके पड़ा है, सब कुछ सेट करना है। तभी आज मेरा बहुत काम बाकी है। तो सबसे पहले मैं तो खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद सब सेट करूँगी। तो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो आज क्या बनाते हैं तो देखिए गाइस। तो सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिया, इधर सारे तैयारी कर रही हूँ। और आज बनाएंगे फिश करी, मेरे हस्बैंड फिश लेके आए हैं और उसके साथ सब सब्जी की फ्राई करेंगे। हम लोग का तो फ्राई नहीं करने से अच्छा ही नहीं लगता। फिर हम देखिए गाइस, इधर मैं फिश फ्राई कर रही हूँ, इधर बैंगन का फ्राई कर रहे हैं और इधर चावल का ये मारी निकाल रहे हैं। और देखिए गाइस, मेरा खाना हो चुका है, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत काम था। तो सारे क्लीन कर लिए, तब फिश करी हो गई, ये सारे फ्राई हो गए हैं मेरे, और घर भी मोटा मोटी क्लीन हो गया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप शाम में। तो शाम के टाइम मेरे हस्बैंड लेके आए थे आलू चॉप, बंगाली का फेवरेट, और फिर उसके साथ चाय भी खाई। और मैं बहुत टायर्ड हो गई थी गाइस, इसलिए डिनर भी नहीं दिखा पाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए टाटा बाय। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।